हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। तुम्हें जितने मुकदमे करने हैं कर लो, फांसी पे लटकाना है लटका देना। हम महाराणा प्रताप के राजपूत वंशज हैं, सर कटा देंगे मगर देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे मनीष सिसोदिया। और आज इस पार्टी को, पूरी दिल्ली को मनीष सिसोदिया के ऊपर गर्व है। मुझे बहुत गर्व है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए कि मनीष सिसोदिया जी को यहां तक कहा गया। बहुत कम लोग होंगे जो इतनी बड़ी चीज को ठुकरा सकें। उनको यह कहा गया कि हमारे पास दिल्ली के अंदर केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। हमने कई चेहरे बदले, हर्षवर्धन लाए, मनोज तिवारी लाए, आदेश गुप्ता लाए, एक वो कौन थे वो जो मीटर वाले थे, उपाध्याय जी, सतीश उपाध्याय जी लाए, कई लोग लाए, कोई जमी नहीं रहा। केजरीवाल के कद का कोई आदमी नहीं मिल रहा। आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार आपको बनाएंगे। आपकी अच्छी छवि है, लोग पसंद करते हैं, आपका बड़ा करियर है, आप आगे तक जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, अरविंद केजरीवाल मेरे गुरु हैं, मेरे मुख्यमंत्री नहीं है, मेरे गुरु हैं, उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और मनीष सिसोदिया जी का सपना उन्होंने बताया कि मेरा सपना देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है।